प्रिय छात्रों, हम इससे पहले वीडियो में अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पर विचार कर रहे थे। दो बिंदुओं पर हमने विचार किया। तीसरा बिंदु है ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत अमेरिका ने अपनी मुद्रा डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलन कराकर अपने डॉलर की कीमत बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया। इससे उसकी आमदनी बढ़ गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व व्यापार संगठन का प्रारंभ भी अमेरिका ने अपने प्रयास से कराया। विश्व बैंक का प्रारंभ भी अमेरिका ने अपने ही साधनों के साथ कराया, जो आज संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और सबको उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये सभी आज भी अमेरिका के प्रभाव से ही चलते हैं। इसके साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में MBA की डिग्री भी अमेरिका ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, जो आज संपूर्ण देश में संपूर्ण विश्व में है। इसी प्रकार इंटरनेट की देन भी 1950 में अमेरिका ने ही की थी। वैसे तो आज अन्य देशों ने भी इसका आविष्कार कर लिया है, परंतु उपग्रह में अधिकतर इसी के प्रभाव हैं, जिनके कारण से आज भी इंटरनेट पर अमेरिका का ही कब्जा है। अमेरिकी वर्चस्व का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिका का विश्व में वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व का अर्थ सहमति घड़ने अर्थात बनाने की ताकत से है। कोई भी प्रभुत्वशाली देश अथवा वर्ग अपने प्रभाव में रहने वाले लोगों को इस प्रकार सहमत अर्थात राजी करता है कि वे दुनिया को उसकी दृष्टिकोण से ही देखें। अमेरिका भी वर्तमान समय में सांस्कृतिक रूप से ताकतवर है। लोग अपनी स्वेच्छा से ही उसको आदर्श मानकर उसकी रीति रिवाज तथा बातों का समर्थन करते हैं, स्वयं में उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। 20वीं तथा 21वीं शताब्दी के आरंभ में सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बदलाव या परिवर्तन आए, वे सब अमेरिकी संस्कृति के ही प्रतिबिंब हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रचलित नीली जींस को आज अधिकांश देशों के लोग पहनने के अभ्यस्त हो गए हैं। प्रिय छात्रों, भारत को ही देख लीजिए कि संपूर्ण विश्व द्वारा अपनाई जाने वाली संस्कृति को मानने वाले भारतीय भी आज उससे अछूते नहीं हैं। हम अपनी परंपरा को छोड़कर पाश्चात्य देशों की परंपरा को मानने के अत्यधिक अभ्यस्त हो गए हैं। फ्रिज, AC, डबल बेड, शराब सेवन, क्लबों में खुला व्यवहार करना भी अमेरिकी संस्कृति का एक उदाहरण ही है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रचलित है। इसलिए अमेरिका संस्कृति को अपनाने के कारण ही आज संपूर्ण विश्व में अमेरिका की सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्चस्व है। इन तीनों अर्थों में सैन्य शक्ति, ढांचागत शक्ति तथा सांस्कृतिक व्यवस्था के कारण अमेरिका का आज विश्व में वर्चस्व है। इससे अगली वीडियो में हम अमेरिका के वर्चस्व में आई बाधाओं पर विचार करेंगे। धन्यवाद।